So, parapsychology and astrology, they are the two things which we are going to discuss today. इन दोनों में हमें क्या क्या चीज डिस्कस करनी है, दैट इज द सिनेरियो। वन, फर्स्ट, क्या हम पैरासाइकोलॉजिस्ट को मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि उसको एस्ट्रोलॉजी कितनी आती है, उस पर भी जाएंगे तो एक शब्द ये हो गया। दूसरा, क्या हमारी समस्याओं का निदान पैरासाइकोलॉजिस्ट के पास है जैसे ही हमारे एस्ट्रोलॉजर से लेते हैं? क्या एस्ट्रोलॉजर जो काम करते हैं वो एक साइंस है या एक आर्ट है? दैट इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो इसके स्टूडेंट्स हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो, काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे वाले भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बाकी लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो रामबाण है। सो वन बाय वन हम लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, इससे पहले हमने एक सीरीज शुरू की थी एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी, जो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। उसके अंदर काफी सारे हमने पॉइंट्स लिए थे, जिनमें से एक पॉइंट्स था काल सर्पयोग। काल सर्पयोग क्या होता है एस्ट्रोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसकी आउटपुट निकाल सकते हैं, कैसे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं उससे। Now, today we will talk parapsychology and astrology. Parapsychology थोड़ा सा different है, ये quantum physics पे है। You can go our last video which was there, soulmate versus parapsychology. तो आप उस पर जा सकते हैं, you can see that parapsychology video. उसमें आपको understand आएगा parapsychology होती क्या है, quantum physics होती क्या है, जिसपे ये apply होती है। So ये दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमने मेजरली उनमें से 7 पॉइंट्स लिए हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उन 7 पॉइंट्स के अंदर हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजर क्या करता है और पैरासाइकोलॉजिस्ट क्या करता है, आप उन दोनों के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो। दूसरा, ये वीडियो उस काम के लिए भी है कि हमारे बहुत सारे मिथ हैं। जैसे एक मिथ मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजी साइंस है या नहीं, दूसरा मिथ हमारा यह है कि साइकोलॉजिस्ट जो है पर्सन, वो पर्सन क्या है, हमें लगता है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का इलाज करता है जिनको मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल प्रॉब्लम है। और सिंपल भाषा में जो लोग बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि उन लोगों को वो मेंटली इल है या उनको मेंटल प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, मिथ है, बिल्कुल झूठा है। साइकोलॉजिस्ट आपकी वो मदद करता है जो आपको एडवाइज करता है, और एडवाइज इस दुनिया में सब कुछ है। अगर आप एडवाइज नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करेंगे, जो आगे के आप पॉइंट्स में समझ जाएंगे कि एडवाइज लेना क्यों जरूरी है। एक और चीज है कि एडवाइज क्या पहले नहीं ली थी, बहुत पुराने टाइम से वो एडवाइस चल रही है। जैसे लॉर्ड कृष्णा को सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट माना जाता है, अगर आप साइकोलॉजी की थोड़ी सी बुक पढ़ते हैं तो बड़े सारे राइटर ने ये बात रिकमेंड की, एंड ही इज वाज वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। वरना अर्जुन रोज सलाह मांगने नहीं जाता, तो हम ये कहेंगे अर्जुन तो पागल था, नहीं, ही वाज मच इंटेलिजेंट, मच मच इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन वो सलाह मांगता था क्योंकि उसको करेक्शन करना होता था अपनी लाइफ में। और अगर हम करेक्शन नहीं करेंगे तो कब हमारा पाथ चेंज हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हमें करेक्शन के लिए हम साइकोलॉजिस्ट पे जाते हैं। तो ये मिथ बिल्कुल तोड़ दीजिए कि साइकोलॉजिस्ट किसका, पागल लोगों का इलाज करता है, नहीं, वो आपको एडवाइस करता है जिससे आप अपनी लाइफ के गोल अचीव कर सकते हैं, जिससे आप लाइफ के अंदर जो आपको हर्डल्स आ रही है उनको ठीक कर सकते हैं, राइट। और इसको हम और आसान तरीके से समझने के लिए ऐसे भी ले सकते हैं कि आपने जैसे पैरासिटामोल है, एक सॉल्ट है जिससे लोग बीमार होते हैं, तो बीमारी करने के लिए वो सॉल्ट यूज किया जाता है, बुखार उतार देता है। जब भी लोग बीमार होते हैं तो इस सॉल्ट का यूज करते हैं। अब उसको बहुत सारी कंपनियां बना रही, बहुत सारी कंपनियां, तो क्या कुछ नया कर रही है? यस, उनका प्रोसेस अलग होगा लेकिन साल्ट सेम है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी जो कर रहा है वो उसके मेथड अलग हो सकते हैं,
वो अलग वे से आपको गाइड कर रहा होगा, और दूसरा जो पैरा साइकोलॉजिस्ट है वो अलग ढंग से गाइड करेगा, बट रिजल्ट दोनों के सेम होंगे। तो ऑलवेज देर शुड बी टू विंडोज। हमें जैसे हम कहते हैं ना, एक विंडो जो होती है घर में, उसके अलावा एक विंडो और होनी चाहिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन रहे। तो देर शुड बी टू विंडोज, दिस इज अ थ्योरी। तो आपको दोनों ऑप्शन अपने लिए ऑन रखने चाहिए ताकि आप अपनी हेल्प खुद कर पाए, आप अपने हर्डल से बाहर हो पाए, राइट? अदरवाइज क्या होगा, आप हर्डल में घूमते रहेंगे और लाइफ में कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे। थ्योरी इस बात पे यकीन करती है कि डिफरेंट एंगल डिफरेंट सोल्यूशन बट द रिजल्ट इज सेम, जो आज हम प्रूव करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं, जो हमने काल सर्प योग और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो बनाया था, वो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। अब हम एक बेसिक फंडा लेके चलते हैं जिसको हम दो थ्योरम की तरह प्रूव करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर वो प्रूव हो गया तो दैट्स मीन बोथ आर साइंसेस। दूसरा, उनमें से कोई भी चीज हिलती है ना, रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। हिलने को क्या बोलते हैं, जैसे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर उनमें से कोई भी चीज नीचे से हट जाएगी तो, ऐसे आप भी अपने गोल को अचीव करेंगे घूम फिर के। और अगर आप अपने गोल को घूम फिर के अचीव कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम ये रहेगी कि आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, आपके रिजल्ट बेटर नहीं हो सकते। और अगर आपको रिजल्ट और टाइम टाइम बचाना है और रिजल्ट को बेटर करना है तो हमें स्टेट चलना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग एंड डीप, जिसको बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, पैरासाइकोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। गुड, सो हम अभी इसको शुरू करने जा रहे हैं। इसके हमने पॉइंट्स लिए हैं और इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन क्लोज करेंगे और फिर देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ इट वर्क्स। अब हम सबसे पहले आते हैं एस्ट्रोलॉजी के पहले पॉइंट पे। एस्ट्रोलॉजी के बेसिक फंडे के ऊपर तीन चीजें चलती हैं, बर्थ चार्ट नंबर वन, नंबर दो गोचर, नंबर तीन कर्मा, जो हमारी कर्मा थ्योरी है। सो बर्थ चार्ट क्या होता है, आप सब लोगों के पास कुंडलीज होंगे, आपने देखे होंगे, बना होता है खाना जिसमें 12 खाने होते हैं, उसे बर्थ चार्ट बोलते हैं। उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब चाहिए होता है। तो बर्थ चार्ट होना जरूरी है, गोचर होना जरूरी है, और तीसरा कर्म थ्योरी। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज डेविएट कर गई, कोई भी चीज एक जगह से हिल गई, अगर आपका बर्थ चार्ट ठीक नहीं है, राइट, तो रिजल्ट तो अच्छा होगा ही नहीं। अगर बर्थ चार्ट ठीक है, गोचर ठीक नहीं है, तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। दोनों ठीक है, कर्मा की प्रॉब्लम है तो भी रिजल्ट ठीक नहीं होगा। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। समझ लीजिए, आपका एक एड्रेस है, आप जगह रहते हैं, और एक पोस्टमैन है। उस पोस्टमैन के पास एक चिट्ठी है जिसमें 1 करोड़ रुपए का चेक है आपके नाम का, ठीक है, लेकिन वो आपको ढूंढ रहा है क्योंकि आपका एड्रेस ही नहीं पता उसका, आपने एड्रेस चेंज कर लिया। क्या होगा, वो चिट्ठी कभी नहीं मिलेगी आपको। दूसरा, पोस्टमैन को आपका एड्रेस पता है बट आपको कोई चिट्ठी नहीं दे रहा, कर्मा का सिद्धांत हो गया, राइट। तीसरा, एड्रेस है, सब कुछ है, बट पैसा नहीं है, गोचर हो गया। तो तीनों ही केसेस में, तीनों ही प्रोसेस में यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। सिमिलरली इन द पैरासाइकोलॉजी वी यूज 3 वर्ड्स, वन पैरा सबकॉन्शियस माइंड, ये शब्द है, मॉडर्नाइजेशन शब्द है, इन शब्दों पे मत जाइए बट ये सेम थिंग है। वन पैरा सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा कॉन्शियस माइंड। पैरा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, आपका बर्थ चार्ट है, आप कहां जन्म लेने वाले हैं, आपके जो पैरा सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होगा वही जगह आपका बर्थ होने वाला है, राइट। अदरवाइज जो डिवेशन है उसमें पैरा सबकॉन्शियस में ही करनी पड़ेगी, तो आपका आगे का फ्यूचर भी चेंज होगा, नेक्स्ट बर्थ चेंज होगा, लेकिन वो पैरा सबकॉन्शियस में है, वो बर्थ चार्ट है। सबकॉन्शियस क्या है, सबकॉन्शियस आपका गोचर है, वो रिकॉर्ड करता है चीजों को, और उन चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद देन वो यूज करता है, उसी से आपको प्रॉब्लम होती है, डिप्रेसिव हो जाते हो, एंजाइटी बढ़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आती है, मेंटल डिसऑर्डर भी आ जाते हैं। थर्ड, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड क्या है, आपकी
कर्म भूमि है, वही आपको हेल्प करता है कर्म करने के लिए। उसी से आपको ये लगता है कि मेरे को ये काम करना है ये काम नहीं करना, वही आपके डिसीजंस लेता है। सो तीनों ही चीजें सिंक हैं। सो अब पहली चीज से ये प्रूव होता है कि जैसे उसमें तीन चीजें हैं जिनसे वो एस्ट्रोलॉजिकल बेस चलता है, इसमें भी तीन चीजें हैं जिससे एस्ट्रोलॉजिकल बेस चलता है, राइट? सो फर्स्ट थिंग वी प्रूव्ड इट। सेकंड पार्ट ऑफ दिस व्हिच इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, आइज ऑफ वेदा। ये सिद्धांत है एस्ट्रोलॉजी का कि वेद की आइज है, वेद में जो लिखा है उसको जो इंप्लीमेंट करते हैं हम, उससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल हम चेक कर सकते हैं, तो आइज है। ऐसे ही पैरा सबकॉन्शियस माइंड, पैरा साइकोलॉजी आपके लिए आइज है आपकी लाइफ का, आपके बिहेवियर का और आपकी हर्डल्स का। अगर वो है पैरा सबकॉन्शियस में तो डेफिनेटली वो आइज आपको प्रॉब्लम देंगे। जैसे कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हैं बट रिजल्ट डज नॉट कम एज पर योर विश, जो आप सोचते हैं वैसे रिजल्ट नहीं आते, तो इसके लिए आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं जो है PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उस कभी कभी ऐसा भी होता है कि पीछे की चीजें हम कैरी कर रहे होते हैं और उस वजह से हमारे रिजल्ट नहीं आते, राइट? तो अगेन सेकंड पॉइंट, इट इज प्रूव, जैसे वो वेद की आई है ये आपकी लाइफ की आई है पैरासाइकोलॉजी, और उसी से आपकी लाइफ पूरी ड्राइव होती है। सो हमारा ये सेकंड पॉइंट हमने इस पे क्लोज किया है कि दोनों चीजें सेम है और पैरासाइकोलॉजी इज ए मॉडर्न साइंस। यही हमें ये बताती है, क्योंकि एक आदमी है वो विंडो के सामने खड़ा है, हमें विजिबल है, अगर विंडो से राइट हो जाएगा नहीं विजिबल होगा, लेफ्ट हो जाएगा नहीं विजिबल होगा, राइट? तो सिमिलर, लेकिन आदमी तो है। वैसे ही ये दोनों थ्योरी इसी बेस पे हैं, आइज में एस्ट्रोलॉजी भी और पैरासाइकोलॉजी भी, कि इससे जो लाइफ हम जी रहे हैं इससे पहले भी एक लाइफ थी और इसके बाद भी एक लाइफ होगी, राइट? नाउ क्वेश्चन कम्स ऑन थर्ड पॉइंट। एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं हम तीन चीजें, अगेन हम वही तीन काफी चीजों में से हमने बिल्कुल आपके लिए, जैसे कहते हैं छाछ में से मक्खन निकालना, वैसे निकाल के रखा है तीन चीजें, देश काल पात्र। देश काल पात्र आपको चाहिए। अगर देश काल पात्र के हिसाब से आप प्रेडिक्शन करोगे तो प्रेडिक्शन ठीक होंगे। जो नए एस्ट्रोलॉजर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं अभी लर्न कर रहे हैं, और जो पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको बहुत ध्यान से सुने, उनके लिए रियली करियर मेकिंग है। देश काल पात्र ये बेसिक चीज है एस्ट्रोलॉजी में। देश मीन्स कहाँ रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं, ठीक है ना? आप किस जगह रह रहे हैं, मतलब जैसे हम लेट्स अज्यूम हम अमेरिका में रह रहे हैं और हम अभी इंडिया में रह रहे हैं, दोनों के देश के एनवायरनमेंट का फर्क है। अमेरिका में जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमसे डिफरेंट होंगी, एक चीज बोल देता हूं मैं, जैसे डाइवोर्स अमेरिका में कॉमन है, इंडिया में कॉमन नहीं है। इंडिया में अभी भी हर्डल्स हैं, हमारा कल्चर उसको सपोर्ट नहीं करता। ये होगा देश काल समय। जो एस्ट्रोलॉजिकल बेस है उसमें कई सारे बेसिक हैं जो फेमस हैं, वो पाराशर जी का सिद्धांत है और जैमिनी ऋषि का सिद्धांत है, ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा भृगु संहिता है जिसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी बेस चलती है, बट ये तीनों ही ऋषि जिस काल में हुए हैं उस काल में और आज के काल में जमीन आसमान का फर्क है। वो ऐसा काल था जिसमें हमें सोचने से ही पाप पुण्य की डेफिनेशन बदल जाती थी, और लेकिन आज हमें सोचने से कोई डेफिनेशन नहीं बदलती है, राइट? तो देश काल, थर्ड इज द पात्र, हु इज द पर्सन हु केम टू यू टू डिस्कस विद यू, उसके इंटेंशंस क्या है। अगर उसके इंटेंशंस पॉजिटिव हैं तभी आप उसको कुछ गाइड्स कर सकते हो। अगर वो खाली नेगेटिव इंटेंशन से जस्ट किल द टाइम, जैसे कहते हैं टाइम पास के लिए आपके पास आया, यू कैन नॉट डू। तो एस्ट्रोलॉजी के तीनों बेसिक सिद्धांत हैं, देश काल पात्र। अगर आप देश काल पात्र से चलेंगे तो डेफिनेटली
यू विल गेट अ गुड रिजल्ट और आपके प्रिडिक्शन भी सही होंगे। अब क्या 3 पॉइंट इसमें भी हैं पैरासाइकोलॉजी में? यस, देश काल पात्र के अलावा पैरासाइकोलॉजी में जेनेटिक, सुजेस्टिबिलिटी एंड एनवायरमेंट। जेनेटिकली आप समझते होंगे जो चीजें हमें पेरेंट से आ जाती है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम है, जॉन्डिस हो जाना बच्चों को पैदा होते ही। आज की मैं प्रॉब्लम लेता हूं, लाइव प्रॉब्लम, COVID-19 जिसकी वजह से लॉकडाउन है, सब लोग परेशान हैं, महामारी है ये। ये COVID-19 अगर एक पैदा होते बच्चे को हो गया, आप बताइए उस बच्चे का क्या दोष था? डीप मत जाइए, अगेन मैं कहता हूं डीप सिर्फ वो लोग जाएं जो रिसर्च करते हैं हमारे साथ, जो पढ़ना चाहते हैं, जो इस काम में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। बाकी लोगों का बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, राइट? सो व्हाई इट हैपेंस, क्यों हुआ? जेनेटिकली कहीं ना कहीं मदर का इशू रहा होगा, मदर को कोरोना हो गया होगा, COVID-19 से प्रॉब्लम होगी तो वह शिफ्ट हो गई। सो जेनेटिकली हम अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा सुजेस्टेबिलिटी, सुजेस्टेबिलिटी ज्यादातर 60-70% मदर से लेता है बच्चा, देन ग्रेजुअली फादर, देन द एनवायरमेंट। सो जो हम मदर से लेता है सुजेस्टेबिलिटी, उसकी मैंने डिटेल, एक हमारा वीडियो है इसके ऊपर सुजेस्टेबिलिटी और एस्ट्रोलॉजी के अंदर, आप उसको चेक कर सकते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुजेस्टेबिलिटी। सो सुजेस्टेबिलिटी इज अगेन फ्रॉम द पेरेंटल, और ये करंट एनवायरनमेंट के अंदर है, काल के साथ चल रही है। एंड थर्ड विल बी द एनवायरनमेंट, कहां पे बर्थ हुआ है, किस कंडीशन में बर्थ हुआ है, तभी तो उसकी प्रेडिक्शन होगी। ये तीनों ही चीजें आपकी सजेस्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट और आपकी जेनेटिक, ये तीनों ही चीजें आपकी पैरासाइकोलॉजी डिफाइन करता है बर्थ के तुरंत बाद। देयर इज अ प्रोसेस टू चेक देम, देयर इज अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड देम कि क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, ये रीजन है, लॉजिक है। सो अगेन वी कैन से दीज थ्री थिंग्स आर कॉमन। हम तीन चीजों का प्लेटफॉर्म बनाया है, ये प्रूव करेंगे, दोनों एक पेज पे हैं। आप पैरासाइकोलॉजिस्ट को मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हो, और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर की आप क्वालिफिकेशंस वगैरह देख सकते हो। कई बार हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा तो सब टाइम ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट हमारी प्रेडिक्शन सही नहीं आ रही। यू कैन चेंज द डॉक्टर सजेशन, राइट? आप ये भी समझिए कि वो कितना क्वालिफाइड है, क्योंकि आजकल आप लोग सब लोग सर्जन के पास जाना पसंद करते हैं। मेरी अगर आप मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप वेबसाइट पे अवेलेबल है, दिस ऑल द थिंग्स, यूजली इसलिए मैं शेयर नहीं करता, बट कोई नए हमारे साथ जुड़े हैं फॉलोअर या यूजर, आई हैव मोर देन 18 डिग्री इनटू दिस, जिनमें से तीन मेन हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आचार्य इन टू एस्ट्रोलॉजी, ग्रैंड मास्टर इन रेकी, एंड ऑन द डॉक्टरेट इन टू द पैरा साइको न्यूरोबिक साइंसेस। साइको न्यूरोबिक साइंस जो आपकी पूरी साइंस माइंड की रिलेटेड है। सो हम कैरी करते हैं आगे। तो इस तरह आप अपने डॉक्टर को चेक कर सकते हैं, जिसके पास भी आप जाते हैं, इट इज गुड फॉर यू। तो अभी तक हमने तीन पॉइंट क्लोज कर लिए हैं, नाउ वी मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट, चौथे पॉइंट पे हम जाएंगे। जो पॉइंट क्या है जो प्रूव करेगा कि हाउ द एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। एस्ट्रोलॉजी में हमारे सारे प्लैनेट्स के कलर डिफाइन, नाइन प्लैनेट है, एक्चुअल सेवन है, दो छाया ग्रह हैं जिनको राहु केतु बोलते हैं और सबसे ज्यादा ट्रबल देते हैं। इसके ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा क्यों ट्रबल देते हैं जब हम माइक्रो लेवल पे जाएंगे पैरासाइकोलॉजी की। लेकिन जो ये नाइन प्लैनेट हैं, इन सबके कलर्स हैं। अब कलर किसी भी ऋषि ने क्यों बनाए, मॉडर्न तरीके में हम कैसे समझें? मॉडर्न तरीके में हम उसको ऐसा समझें कि हरेक प्लैनेट का कलर इसलिए बना है, हमारा माइंड जो है प्लैनेट के कलर को इम्पैक्ट जल्दी करता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम वीडियो देख सकते हैं, अवेलेबल है। एनएलपी का जो बेस है वो यही है, कलर वीडियो है, वो हमारे माइंड को बहुत जल्दी इम्पैक्ट करता है, राइट? सो पैरा क्या उसमें भी हम ऐसा करते हैं, क्या उसमें भी ऐसे कोई नाइन चीजें हैं जो हमारे कलर्स को
कनेक्ट करते हैं। आई थिंक यस सम कनेक्शन इश्यू वॉज देयर, नाउ इट इज नॉर्मल। तो क्या कनेक्ट करते हैं? यस, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है, ये पूरे माइंड पे है। अब इसमें 7 ब्रेन वेव्स होती हैं और ये ब्रेन वेव को मशीन से नाप सकते हैं, ग्राफ दे सकते हैं आप। यू कैन चेक माई वीडियोज, उस वीडियोज में मैंने शो किया है, और मैं अलग से भी, अगर आप किसी को चाहिए होगा, वी विल शेयर दैट। क्या वेव्स होते हैं? नंबर 1 गामा वेव्स, बीटा वेव्स, अल्फा, 10, डेल्टा, डीप डेल्टा, थीटा एंड डीप थीटा। ये दोनों हीलिंग वेव्स हैं, इन पे हीलिंग होती है, डेल्टा पे और थीटा पे, इनके ये अलग से प्रोसेस है। तो ये 7 प्लस 2 इनके कट ऑफ पॉइंट है व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम वन वेव टू अनदर वेव। सो 9 एरियाज हैं जिसके अंदर हर कलर, हर मैच को ये चेंज करती हैं, राइट? तो जैसे उसमें हमारे 9 प्लैनेट हैं जो हमारे को इंपैक्ट कर रहे हैं, उनके 9 कलर्स हैं, वैसे ही इसमें हर वेव का एक कलर है जिसके हिसाब से वो वेव आपको इंपैक्ट कर रही है, आपको प्रॉब्लम दे रही है, और उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, उसका प्रोसेस है। तो ये हमारा हुआ 4th पॉइंट। अभी तक हमने ये समझा कि काफी सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी में कॉमन है, लेकिन अगर कॉमन है तो क्या एस्ट्रोलॉजी भी आपके माइंड को इंपैक्ट करती है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैरासाइकोलॉजी तो पूरा माइंड को ही इंपैक्ट करती है। तो अब हम इसको इस पॉइंट में, जो कि हमारा ये 5th पॉइंट है, हम इसमें बताएंगे कि ये कैसे इंपैक्ट करती है। अब आपके 9 जो प्लैनेट्स हैं उनकी कोई ना कोई रेमेडी मिलती है एज ए एस्ट्रोलॉजिकल व्यू। अब रेमेडी क्या होती है? बहुत सारी चीजें बताते हूँ आपको, पूजा करो, दान दो, बहुत सारी चीजें, नग पहनो, कई सारी चीजें। बट मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है जो मैं माइंड पे लेके आना चाहता हूँ आपको। क्या कभी ऐसा होता है कि आपको राहु की दशा चल रही है, प्रॉब्लमेटिक एरिया है, राहु आपको परेशान कर रहा है, तो क्या ऐसा करता है कि सुबह उठते ही आपको 2 थप्पड़ राहु लगाता है, ऐसा कर रहा है? और शाम को सोने से पहले 2 थप्पड़ लगा देता है, और आप दौड़ते हुए जाते हो एस्ट्रोलॉजर पे, राहु बहुत परेशान कर रहा है, सुबह शाम थप्पड़ लगा रहा है मेरे। वो आपके माइंड को इंपैक्ट करता है। टेक्निकली कैसे है कि आपकी हेल्थ पे है, ठीक है ना, भारी है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर दोगे, ऐसा गलत काम कर दोगे जिसकी वजह से हेल्थ खराब हो जाएगी। जिसका अगर अभी लाइव एग्जांपल लें तो COVID-19 में ये गवर्नमेंट ने अभी शराब की दुकानें खोली, रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको शराब की बहुत तलब लगी है, आपने अपनी लाइफ को स्टेक पे लगाया और शराब के लिए आप चले गए। अगर वहां आपको COVID-19 हो गया तो राहु खराब था जी, आपका एडिक्शन दे सकता है आपको, सिगरेट का एडिक्शन, वाइन का एडिक्शन, कोई भी ऐसा एडिक्शन, फिजिकल रिलेशन के एडिक्शन, एक्स्ट्रा मैरिटल प्रॉब्लम शुरू कर देगा, ऐसे वाली प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है, आई विल नॉट टेक हेयर मच टाइम। तो हमें राहु मेंटल प्रॉब्लम देता है, बेसिकली माइंड पे स्ट्रेस देता है, जिसकी वजह से हमें ये स्ट्रेस होता है। और इसकी अगर डिटेल होगी, जो मैंने बताया ना आपको काल सर्प योग का, मेरा एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी का जो है, उसमें काल सर्प योग में भी आप इसकी डिटेल ले सकते हैं कि राहु की क्या प्रॉब्लम रहती है। सो नाउ क्वेश्चन इज राइजेस कि जो रेमेडीज होती हैं उनकी, वो रेमेडीज में वो आपके माइंड को प्रॉब्लम देता है, और उसके कई सारे तरीके हैं। तो उसमें एक स्टोन भी है, आप जाओगे एस्ट्रोलॉजर को स्टोन बनाएगा। तो पैरासाइकोलॉजी में भी आपके माइंड को इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, आपके माइंड से ही प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, माइंड से ही प्रॉब्लम ब्रेक हो रही है। और क्या पैरासाइकोलॉजी भी ऐसे काम करती है? यस, पैरासाइकोलॉजी के अंदर भी क्रिस्टल्स आर देयर, अलग अलग क्रिस्टल्स हैं जो यूज होते हैं, क्रिस्टल थेरेपीज है जो स्टूडेंट्स हमसे लर्न भी करते हैं, और वो क्रिस्टल थेरेपी से आप क्योर हो सकते हो। तो अब हम इन पॉइंट्स के बाद ये एक प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो गए हैं कि एस्ट्रोलॉजी एंड पैरासाइकोलॉजी दोनों सेम है,
पैरासाइकोलॉजी इज ए मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर। अगर किसी को दोनों चीज आती हैं तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा। लेकिन अगर किसी को एक भी आती है तो यू कैन जस्ट टेक इट एज ए गाइडेंस फ्रॉम हिम, कोई इश्यू नहीं है, एंड ही और शी कैन हेल्प यू इनटू दिस। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन आता है एस्ट्रोलॉजी में भी और पैरासाइकोलॉजी में भी, विच इज द सिक्स्थ पार्ट, कि एक ही टाइम में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं। कभी मैं एस्ट्रोलॉजी के जो वर्कशॉप करता हूं या पैरासाइकोलॉजी के जो वर्कशॉप करता हूं, काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनकी अलग अलग क्यों प्रेडिक्शन होती है, क्यों उनकी लाइफ अलग अलग होती है? सबके सेम होने चाहिए? एक डॉक्टर बन गया सब डॉक्टर होने चाहिए, एक इंजीनियर बना सब इंजीनियर होने चाहिए, और एक बेरोजगार रहा तो सब रोजगार? ये हमारी थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम है। हमें पता ही नहीं कि हम किस लेवल की कैलकुलेशन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में सबसे छोटी लेवल की जो कैलकुलेशन है कृति होती है, ये सेकेंड का 34,000वां हिस्सा होती है, राइट? कृति, त्रुटि, देन लव, विपल, ये सारी चीजें बढ़ती हैं, सेकंड्स के कई हिस्से हैं ये, और तब जाके ओरा बनती है जो आपको कुंडली में ओरा दिखती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर दो ट्विन पैदा हुए हों वो एक ही सेकंड के 34,000 हिस्से में हो जाएं, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? इसी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, प्लांट्स की थोड़ी डिग्री चेंज होगी, डिग्री चेंज होगी तो सिर सर आएगा। खैर, अगेन वी शुड स्टिक टू द बेसिक कि हर एक की ये चेंज क्यों हो रही है। क्या पैरासाइकोलॉजी इसको सपोर्ट करती है? बिल्कुल सपोर्ट करती है, क्योंकि आपके माइंड में पैरासाइकोलॉजिकल माइंड तो आपका बर्थ के साथ आ गया आपके साथ। एक परिवार में तीन बच्चे हैं, तीनों का पैरासाइकोलॉजिकल माइंड अलग होगा। आप एजुकेशन दीजिए उन्हें इकट्ठी एक जैसी, उनको एनवायरनमेंट एक जैसा दीजिए, कोई गारंटी नहीं है कि तीनों सेम है। 100% देयर विल बी अ डिफरेंस इन देम। क्या कोई पेरेंट अपने बच्चे को नाकाबिल बनाना चाहता है? मैंने नहीं देखा भाई आज तक, इतने सारे केसेस मैं सोल्व कर चुका हूं, मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी नाकाबिल बनते हैं। तो दैट इज बिलोंग टू द पैरासाइकोलॉजिकल इशू, और उसी वजह से उसमें प्रॉब्लम होती है। नाउ लास्ट हम लेके चलते हैं सेवंथ पॉइंट। एस्ट्रोलॉजिकल में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, दिन का निदान होता है, ऐसे ही पैरासाइकोलॉजी में आती है, वन बाय वन हम शिफ्ट होते हैं, पर तीन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। वन पितृदोष एस्ट्रोलॉजी में, सेकंड पिशाच बाधा, थर्ड जो होती है तांत्रिक बाधा, तंत्र बाधा। ये तीन बड़ी प्रॉब्लम है जो आप भी आते होंगे एस्ट्रोलॉजर, इन तीनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको बता भी देता होगा। पितृ बाधा एज पर एस्ट्रोलॉजी क्या है? जो आपके पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं आपसे किसी वजह से नाराज हैं, उन्होंने कुछ आपके पैरा सबकॉन्शियस से उनके पैरा सबकॉन्शियस में कुछ ट्रांसफर हुआ है, इस वजह से वो आपके ग्रोथ को रोक रहे हैं, चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, चाइल्ड ग्रो नहीं हो रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पिशाच बाधा मींस कोई ना कोई ऐसा आपका रिलेटिव है जिसके कोई कर्म आपके और उसके मैच कर गए हैं पैरा सबकॉन्शियस में। ये पैरा सबकॉन्शियस में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पैरा सबकॉन्शियस में भी हम तीन वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें प्रूव है। आज आप इंग्लैंड में गए हो घूमने, वहां अगर कुछ बाधा है तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपका कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ कॉन्शियस माइंड में डर जाते हो, इसलिए आपको फियरिस्टिक फील होता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक उस पैरा सबकॉन्शियस का आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। तीसरा तंत्र वाला, जिसको हम डिफरेंट एंगल से बोलते हैं, अंधविश्वास भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये हमारे कॉन्शियस माइंड की जो शील्ड है उसको ब्रेक कर देता है, और जैसे ही वो ब्रेक करता है सबकॉन्शियस में वो चला जाता है और हमें वो फियरिस्टिक लगता है। कभी
किसी चीज से फियर लगता है, कभी हमें लगता है हमारी ग्रोथ रुक गई है किसी वजह से, ये सारे फियर हमारे अटैच होते हैं। क्या इसको पैरासाइकोलॉजी सपोर्ट करती है? यस, पैरासाइकोलॉजी भी इसको सपोर्ट करती है। पैरासाइकोलॉजी के अंदर भी तीन चीजें यूज होती हैं, इल्यूजन, डिल्यूजन एंड ट्रॉमा। इल्यूजन क्या होता है? सडनली हमें कुछ चीज फील होती है, हमारी आईज का धोखा भी हो सकता है, और हम उससे फियरिस्टिक हो जाते हैं। डिल्यूजन क्या है? ये हम क्रिएट करते हैं, हमारा एक फेथ सिस्टम क्रिएट होता है, बिलीव सिस्टम शुरू होता है, उस बिलीव सिस्टम में ही हम घूमते रहते हैं। और थर्ड ट्रॉमा, हमें कोई भी चीज एक बार देख लेते हैं, हम उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। हमने किसी को एक प्रॉब्लम में देख लिया, मान लो कोई आदमी हॉस्पिटल में बहुत सीरियस बीमार है, हमने देख लिया मेरे को भी हो जाएगा, मेरे को भी हो जाएगा, आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं उससे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि आपको वो हो जाए। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। वो स्टोरी ये है कि मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, शी वॉज टेलिंग कि मैं अपने फ्रेंड्स जो मेरे को कॉल करते हैं, मैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ तो उनकी जॉब्स लग जाती हैं। अगर मैं उनको बेस्ट ऑफ लक ना बोलूं तो वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मेरे से जो लोग बेस्ट ऑफ लक लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जो गुड विशेज है, मेरा कोई गुड लक है, वो उनके साथ जा रहा है? सो दिस इज कॉल्ड डिल्यूजन्स। आपके बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो गए ऑटोमेटिकली। इनके सॉल्यूशंस हैं एंड गिव दैट सॉल्यूशन टू द पीपल। और इसके अंदर एक और है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए दोनों का, तो वैसे ही पैरा सबकॉन्शियस का भी टाइम की एक्यूरेसी बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा टाइम में कौन से जन्म में हुआ। जो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, उसमें यही चीज बताते हैं। सो अब इन 7 पॉइंट को अगर हम क्लब कर दें, राइट, उनको क्लब करने के बाद हम एक चीज पे आए कि यस बोथ आर सेम, यस बोथ आर सेम। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि काम करने का तरीका डिफरेंट है। दोनों में टाइम स्पैन सब कुछ चेंज है, लेकिन रिजल्ट सेम है। सो ये हमने आज मैक्रो लेवल पे समझने की कोशिश की कि पैरासाइकोलॉजी क्या होती है और एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, और इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन क्या है। अब हम इसको माइक्रो लेवल पे लेके जाएंगे। माइक्रो लेवल पे किस किस के लिए बेनिफिशियल है? जो बहुत सारे लोगों ने हमसे फेसबुक पे हमारी मेल आईडी पे रिक्वेस्ट किया था, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। वन बाय वन करेंगे डिस्कस, ताकि आप सब लोग अपने क्वेश्चन भी पूछ सकें, आप सब लोगों को वो समझ भी आए। क्वेश्चंस और समझ आना दोनों चीजें हैं, आपको उसमें एक मोटिवेशन लेवल पे लेके जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की। तो अगर आप सब लोगों में से जो भी लोग मांगलिक हैं या जो लोग मांगलिक लोगों को जानते हैं, उनके लिए यह रामबाण होने वाला है अगला वीडियो, क्योंकि मंगल आपकी फैमिली लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। कहते हैं ना, मांगलिक की शादी मांगलिक से, क्यों, कैसे, क्या कारण है, ऐसा बोलता है एस्ट्रोलॉजर। और क्या पैरासाइकोलॉजी में उसका कोई सोल्यूशन है, या पैरासाइकोलॉजिस्ट उसको ठीक कर सकता है? यस, वो ठीक कर सकता है, और कैसे ठीक करेगा ये हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपने क्वेश्चन बना के रखिए, आप अपनी कुंडली को ध्यान से देखिए, आप अपनी कुंडली को समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें कोई भी आपको गैप लग रहा है, डेफिनेटली आप प्रिपेयर रहिए। वन बाय वन आपको हम अगली बार एक्सप्लेन करेंगे मंगल को लेके, तो मांगलिक वर्सेस पैरासाइकोलॉजी चलेगा, देन ग्रेजुअली वी गो विद ईच एंड एवरी प्लैनेट। ये लंबी चलने वाली है सीरीज, आप सब लोग इसमें जो भी क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली वी विल ट्राई टू गिव द आंसर। सो अभी आराम से घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत जल्द आपके साथ नए वीडियो के साथ मिलेंगे, मांगलिक रिलेशनशिप मैरिज इनको लेके बहुत डीप स्टडी किया हमने उस पर, और आपके साथ पे बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड नमस्कार।